श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम, जिसमें आपकी रुचि हो। ये नौ मार्ग बता दिया भक्ति में भी। अब कई लोगों को देखो कथा सुनने में बहुत आनंद आता है, कोई डिस्टर्ब करे ना तब गुस्सा आती है। और यहां कई लोग ऐसे होते हैं कि न खुद सुनेंगे ना बगल वाले को सुनने देते। परसों मैंने देखा कि एक पीछे सज्जन कुर्सी पर बैठे घर घर अचानक सोने लग गए। बगल वाले पर गिरे तो उतरे बेटा, अरे भाई क्या कर रहे, नहीं 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 सुन रहे सुन रहे। फिर थोड़ी देर के बाद सुनते सुनते इधर वाले पर गिरे, न खुद सुनते हैं न सुनने देते हैं। जिसको श्रवण से प्रीति है उसको बहुत डिस्टर्ब होता है इस तरह कोई बीच में बोले भी, कोई परेशान करे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं भाई खुद न सुनो तो बगल वाले की तो सुनो। हाँ, कथा से प्रेम न हो तो कम से कम बगल वाले का तो ध्यान रखो। आपको प्रीति नहीं है, हो सकता है आपके बगल में बैठा कोई प्रेमी उस रस को प्राप्त कर रहा हो, तो उसमें डिस्टर्ब न करो। यहां बैठकर पुण्य न मिले तो कम से कम अपराध का दोष भी तो न मिले। श्रवणम, कई भक्त ऐसे हैं जिनको श्रवण में रुचि नहीं होती है, लेकिन हां जब कीर्तन हो तो पांव थिरकने लग जाते हैं। कीर्तनम, उनको कीर्तन में रुचि, और उनके लिए कीर्तन ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। श्रवण में उनको रस नहीं, कीर्तन में बहुत रस है। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में परी बन के जो चले, बन के जो चले, बन के जो चले, बन के जो चले, बन के जो चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, हाँ बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ऐसी लागी लगन लागी 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 रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुणगाने लगी। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। कई लोग मीरा की कैटेगरी में श्रवण में इतना आनंद नहीं, लेकिन हरिनाम कीर्तन हो। हमारे चैतन्य महाप्रभु गाते गाते गोविंद को पाए, या तो सुनो और या फिर गाओ। गाना भी एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का। हरिनाम कीर्तन एक मार्ग है। कई लोग सोचते हैं कि भाई कीर्तन में लोग खड़े क्यों हो जाते हैं, ऐसे झूमने क्यों लग जाते हैं। अरे तुझे क्या पता, एक बार हरिनाम गाकर तो देख क्या रस प्राप्त होता है। हाँ, मीरा ने महलों को छोड़ दिया, सड़क पर उतर गई, गली गली में गोविंद नाम गाने। कई लोगों को गाने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। एक कथा
कथा व्यास बड़े नाराज हो जाते थे, बीच में कोई खड़ा हो जाए ना बड़े बड़े नाराज हो जाते थे। कोई भजन वजन नहीं गाते थे वो बीच में, कोई हरि नाम कीर्तन नहीं। एक दिन श्रोताओं ने उनको कहा कि महाराज बीच में एक तो कीर्तन कराओ। कुछ लोग कीर्तन के बड़े प्रेमी होते, भजन के बड़े प्रेमी होते। कहा महाराज एक तो कीर्तन बीच में आना चाहिए ना। बड़े नाराज हो गए कि किसी गायक को बुला लो, मुझे क्यों बुलाया है। मैंने उनको कहा, एक दिन मुलाकात हुई, मैंने कहा क्यों डांटते हो भाई। कथा में जरूरी नहीं कि सुनने ही वाले आए, कुछ गाने वाले भी आते हैं और उनमें भले ही राग न हो लेकिन अनुराग पूरा होता है। और गोविंद को राग से प्रीति नहीं, उसे तो अनुराग से प्रीति है। अनुराग से ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी वो तो गली गली हरि गुण हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लगी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि हरि गुण वो गाने लगी, ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम। या तो श्रवण से प्राप्त कर लो, सुनते 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 डूब जाओ उसमें, फिर और कुछ सुनाई न दे, केवल और केवल हरिचरित्र ही कानों में गूंजने लग जाए, ऐसे स्टेज पर पहुंच जाओ। इसमें कई श्रोता ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि केवल सुनते ही नहीं, सुनते 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 वो लीला उनको दिखाई पड़ती है। कभी गोविंद ब्रह्मांड घाट पर हों, कभी कालीनाग के ऊपर हों, उनको वो दृश्य दिखाई देता है कि हाँ गोविंद ऐसी लीला कर रहे हैं। ये श्रवण की एक विधा है कि सुनते 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 खो जाओ, डूब जाओ। रामकृष्ण परमहंस के सामने कोई एक बार गोविंद का नाम ले ले, ध्यानस्थ हो जाते थे, समाधिस्थ हो जाते थे। केवल एक बार उच्चारण कर दे और तीन चार दिनों के लिए समाधिस्थ हो जाते थे। क्या प्रेम था रामकृष्ण परमहंस को। तो या तो श्रवण एक मार्ग है या हरिनाम कीर्तन एक मार्ग है। ये भाव जगत के लोगों के लिए है, बुद्धि वाले लोगों के लिए नहीं। बुद्धि वाले तो दूर से बुद्धि लगाते रहते हैं, तर्क वर्क करते रहते हैं, ये तो भगवत प्रेमियों का मार्ग है साहब। बुद्धि लगाने वाले उद्धव को भी यहां मुंह की खानी पड़ी थी इसी ब्रज में। बृहस्पति के ज्ञानी शिष्यों में उनका नाम था, देवभाग के पुत्र बृहस्पति के ज्ञानी शिष्य उद्धव जी गए थे ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन देने के लेने पड़ गए उद्धव को। गांव की ग्वालिनियां पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे शब्द बोले कि उद्धव को सिर झुकाना पड़ा। पहले ही शब्द पर उद्धव अवाक रह गए। जब कृष्ण का संदेश लेकर आए,
जमुना के तीर पर खड़ी हुई गोपियों ने पूछा, कहो मथुरावासी, अब क्या लेने आए हो हमारे ब्रज में? हाँ, एक आया था मथुरा से, हम सबको लूट कर चला गया, क्या लेने आए हो? अब तो हमारे पास कुछ देने को बचा भी नहीं, क्या लेना है तुम्हें? उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया। ये बात सुनते ही गोपियां ठहाका मार कर हंस दी, कृष्ण का संदेश? अरे मथुरावासी, इतना भी नहीं जानते हो, संदेश उसका आता है जो कहीं बाहर गया हो। प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वे परदेश, प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वे परदेश, जो तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश। मैं मेरे प्रीतम को पत्र तब लिखूं ना जब वो कहीं बाहर गया हो, हाँ, जो हर पल हर घड़ी हमारे दिल में हो, वाको कह संदेश, जो नैनों में बसा है, जो प्राणों में बसा है, रग रग में जो बसा हुआ है, उसका संदेश कैसा? प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वे परदेश, जो तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश। अरे मथुरावासी, इतना भी नहीं जानते हो, संदेश उसका आता है जो कहीं बाहर हो, जो हम सबके प्राणों में बसा है, उसका संदेश कैसा? पहले ही बात पर उद्धव को झटका लगा, गए थे ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन उद्धव के ज्ञान को ऐसा धक्का लगा कि बात निरुत्तर हो गए उद्धव। फिर दूसरी बात कही कि सर्वत्र कृष्ण ही तो हैं, यहां भी हैं, वहां भी हैं, वहां भी हैं। गोपियों ने हंसते हुए कहा कि जब सर्वत्र कृष्ण हैं, तो ये कृष्ण का संदेश वहीं कहीं सुना दिया होता, यहां क्यों आए हो? हाँ, बंद करो उद्धव ये ज्ञान की बातें, ये तो भाव जगत के लोगों की बातें हैं साहब। कृष्ण की रंग में, कृष्ण की भक्ति में जो डूब गया, ये प्रेमियों की बातें, ज्ञानियों के समझ में आने वाली बात नहीं। मैंने कल कहा था ना कि वो आम गिनता रह गया, और बाबा ने तो फल खा भी लिया और आनंद भी ले लिया। तर्क वितर्क करने वाले वृंदावन में भी आकर के खोजते रहते हैं कि मंदिर कितने साल पुराना है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, किसने बनाया होगा, किस सन में बना होगा। कई लोग ये नापतोल करते रहते हैं, और भक्त लोग गोविंद का दर्शन करके उसमें डूब जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। ये तो भाव के लोगों का ये विषय है साहब। तो या तो श्रवणम, या तो कीर्तनम, और या तो प्रभु स्मरणम, नौ प्रकार के मार्ग बताए, नवधा भक्ति में जो आपके स्वभाव के अनुकूल पड़े उसको चुन लो और वहीं से निकल जाओ साहब। मुझे तो लगता है कि नौ द्वार दिखाया, किसी भी द्वार के अनुकूल जहां आप हो। जब हम फ्लाइट में यात्रा करते हैं तो अनाउंस होता है ना कि कभी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़े फ्लाइट को, तो ये पट्टियां जो लगी हैं वो आपको नजदीकी मार्ग दिखाएंगे। हो सकता है आप जहां बैठे हों उसके जस्ट पीछे ही वो मार्ग हो। श्रीमद् भागवत में भी नौ प्रकार की भक्ति बता करके यही इशारा किया गया कि आप जहां हो सकता है आपके अनुकूल जो मार्ग हो वो आपके करीब ही हो, आप उसी मार्ग को पकड़ो और भव सागर पार हो जाओ। नौ प्रकार की भक्ति में कोई भी भक्ति पकड़ लो, भव सागर पार हो जाओ। या तो श्रवणम,
या तो कीर्तनम या तो प्रभु स्मरणम आत्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्षम आत्मनिवेदनम। कई लोगों को कथा से प्रीति नहीं, कीर्तन से प्रीति नहीं, कई लोगों को स्मरण में भी मन नहीं लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, उनको सेवा में बड़ा रस आता है। सेवा उनको दे दो तो आहा उछलने लगते हैं कि आज हमारा जीवन धन्य हो गया। दास्य भक्ति है उनकी, दिन रात वो ठाकुर की सेवा के विषय में सोचते रहते हैं। ये सब भक्ति के ही एक प्रकार हैं साहब। जो आपके स्वभाव के अनुकूल पड़े आप उसको चुन लो और भव सागर पार हो जाओ। आरंभ होती है श्रवण से, आपका श्रवण में मन लगता है तो बहुत अच्छी बात है। किशोरी राधा रानी की कृपा है, अपने ही छत्र छाया में बिठाकर श्रवण करने का हमको अवसर प्रदान की है। ये राधा रानी की हम पर विशेष कृपा है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।